अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है क्या सब खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। इस रेसिपी का नाम है अरबिका सालन। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए। होता है लेस जो आप घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर नया आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अरबिका सालन बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिए 250 ग्राम भी लिए, जिसे हमने छीलने के बाद इसे वॉश कर लिया था, उसके बाद हमने इसे ड्राई कर लिया। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसे अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। के अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करने का, जिसे अच्छी तरीके से मिक्स कर अरबिका सालन बनाना। हमने कढ़ाई के अंदर हमने ऐड कर दिया हस्बे जरूरत ऑयल। वो अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर वाली अरबी। अरबियों को कॉर्नफ्लोर लगा के रख दिया था, कोट कर लिया था अच्छी तरीके से कॉर्नफ्लोर के अंदर। इसको हम करेंगे फ्राई। अरबियों को यहाँ हमने अरबियाँ ऐड कर दी हैं तमाम, इसे अच्छी तरीके से हम करेंगे फ्राई। के अंदर अरबियाँ फ्राई हो रही हैं। इसको फ्राई करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सालन का, बहुत ही यूनिक। किसी ने भी इस तरह की अरबियों का सालन आपको बनाना नहीं सिखाया होगा, जो हम आपको सिखा रहे हैं आज। देख सकते हैं कि अरबी फ्राई हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाती है कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करने से, और ये 5 से 6 मिनट के अंदर अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी। अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, 5 से 6 मिनट के अंदर इसमें कलर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसको हम इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेटर के अंदर, इसका आपको दिखाएंगे इसका लुक। जिसमें हमने अरबियाँ फ्राई कर दी थी उसी तेल के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज। इसे अच्छी तरीके से हम कर लेंगे फ्राई। हमने ऐड कर दी थी, ऐड कर दी, इसे हम करेंगे फ्राई। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, प्याज के साथ हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं प्याज के साथ जीरे को भी हम फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा ये बनता है अरबी का सालन। कलर चेंज हो चुका है इसके अंदर, मैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। इसको भी हम अच्छी तरीके से कर लेंगे फ्राई। सॉफ्ट करेंगे हम इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। ऐसे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, आप चाहें तो टेस्ट के अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, ताकि हमारे मसाले लगे नहीं और अच्छी तरीके से हमारे मसाले भुन जाएं। ऐसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे मसाले को। सालन का मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राई हुई हुई अरबी। ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं बेहतरीन से हमारा अरबी का सालन बनके तैयार हो रहा है। बहुत इजी है, बहुत यूनिक है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 अदद हरी मिर्चें। इसको हम कवर करके रखेंगे दम पे, रखेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो अरबी में थोड़ी बहुत कसर रह चुकी है वो दम पे आ जाए और वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। ये सालन को हमने कवर करके रख दिया 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी अरबी में जितनी भी थोड़ी बहुत कसर रहेगी वो अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। उसका फिर आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। देख सकते हैं कि 5 से 6 मिनट हो चुके हैं अरबी के सालन को, जो हमने दम पे रखा था वो दम पे आ चुका है। इसका हम कवर हटा के आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं अरबी का सालन अच्छी तरीके से भुन चुका है, कुक हो चुका है, और ये अरबी अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी हैं, और उसको हमने 5 मिनट का दम लगाया, 5 से 6 मिनट का हमने इसे दम पे रखा था। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटा हरा धनिया। इसको हम करेंगे अब डिश आउट। ठीक है, सालन के ऊपर हमने बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया हस्बे सर, इसको हम करेंगे अब डिश आउट। डिश आउट करेंगे, इसको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। हमारा अरबी का सालन हो चुका है कम्प्लीट रेडी। उसने गार्निश करा है बारीक कटा हरा धनिया के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है, बहुत ही यूनिक अंदाज के साथ आज हमने आपको चुकाया अरबी का सालन। क्योंकि भाई गर्मी आ चुकी है और अरबी तो हर घर में बनती है, अब यूनिक अंदाज से बनाइएगा अरबी का सालन। हमने अरबी गोश्त भी चुकाया और अरबी की कतनी भी चुकाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी रेसिपीज हैं। अगर सालन की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।